वेलकम टू सीजी मोशंस। आज हम सीखेंगे रन साइकिल बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हिप वाला पार्ट है अपना, ठीक है, इसका रोटेशन दे देंगे, ट्रांसलेशन सब चीज चेक कर लेंगे हम और की कर देंगे स्टार्टिंग, ठीक है, ज़्यादा पैर स्ट्रेच ना हो। उसके बाद पैर को आगे की तरफ करते हैं, एक पैर पीछे की तरफ, ऊपर, ठीक है, तो रोटेट करेंगे, बैक करेंगे अलग का, ठीक है, फर्स्ट का लास्ट मेरा सही रहेगा। यहाँ पे हम डिफरेंट देते हैं, फर्स्ट का लास्ट सेम। हम इसकी वैल्यू कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी नंबर को देंगे कॉपी टेन नंबर को देंगे, ये सब डिलीट कर देंगे। हमारे कॉपी सेलेक्ट किया नंबर पे, ठीक है, मैंने दो पोजेस बना दिए, उसके बीच में एक पोज बनाएंगे हम, यहाँ पर थोड़ा वायर से जीरो, ठीक है, ऐसे जीरो हिल जीरो, ठीक है, ये पोज है वो हल्का आगे की तरफ आएगा, हल्का सा रोटेट, और ये पैर है वो हल्का सा बैक। यहाँ पे चेक कर लेंगे हम कौन सा वैसे देना है, यहाँ पे मेरा बॉल रोटेशन है, बॉल रोटेशन दे देंगे इससे, ठीक है, इसी कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आ रही है हील की, ये हम जीरो कर देंगे, ठीक है, कॉपी करेंगे, चौदह नंबर फ्रेम पे, चलो चौदह नंबर फ्रेम पे हम उसकी जैसे पोजेस कर देंगे, ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी किया, सेलेक्ट किया इसको और जस्ट वो, ठीक है, देख रहे मेरे दो से तीन पोजेस मिल जाएंगे फटाफट। उसके बाद हम एक डाउन पोजेस बनाएंगे, यहाँ पे वैल्यू जीरो, तो मैं हल्का सा डाउन करूंगा, ठीक है, इसके वैल्यू मैं कॉपी कर लूंगा, थोड़ा सा पैर को और नीचे करना है, वैल्यू कॉपी करो सेलेक्ट और पेस्ट, ओके, सेलेक्ट और अपोजिट पेस्ट, ओके। अब उसके बाद फाइल को कंट्रोल एस करके सेव कर दो, बनेगा अब पोज, यहाँ पे पोज ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, रोटेट होगा हल्का, ठीक है, जो पैर है वो हल्का पीछे जाएगा, ठीक है, रोटेट होगा, इसकी वैल्यू जो जीरो कर सकते हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू थी जीरो, ठीक है, मैं करूँगा कॉपी करूँगा, सब पूरे टाइम है यहाँ पे और पेस्ट करेंगे, ठीक है, इनको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे, ठीक है, हम देखो प्ले करके देखेंगे, ठीक है, कंट्रोल एक्स करते रहो, ये फाइल कभी भी गलत हो सकती है, कंट्रोल एक्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब यहाँ पे मेरा हिप का पार्ट है, मैं क्या करता हूँ, जितनी भी हमारी चीज़ है
वहां पे मैंने एक की लगा दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक अब चलते हैं ग्राफ में, विंडो एनिमेशन ग्राफाइट, ग्राफाइट में जो वो वाई एक्सिस पे जो की है सेलेक्ट करो, ठीक है सेलेक्ट, इस 12 नंबर पे सेलेक्ट करो और मूव कर दो, ओके ठीक है। यहाँ पे हल्का सा पेरिस स्ट्रेच हो रहा है, ये तुमको दिख रहा होगा पेरिस स्ट्रेच हो रहा है, तो बात नहीं है हम उसको मैनेज कर लेंगे, मेरा टॉप व्यू, ठीक है। अभी मैं कुछ भी ग्राफ पे काम नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल का मूवमेंट दे रहे, अब देखो कंट्रोल है फाइल सेव कर लेना, उसके बाद हम यहाँ पे एनिमेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे रिमूव ट्रायल का ऑप्शन है ऑन करो, ये तुम्हारा एक आर्क दिखाएगा, देख रहे हैं ये आर्क को और मेंटेन करते हुए चलना है, यहाँ पे जब भी है ये मेरा पैर है यहाँ पे मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा पैर 0, ठीक है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लीनियर गया, यहाँ के बाद ये पैर में हल्का सा स्ट्रेच कर सकते हो, हाथ मेंटेन करना है, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा हाथ मेंटेन कर सकते हो, यहाँ पे नहीं थोड़ा सा ग्राफ का है देखते हैं, यहाँ के बाद तो ये जो एरिया है यहाँ से पूरा आर्क मेंटेन होना चाहिए, है ना, यहाँ पे गया वहाँ से आया, अभी ये जो एरिया है कि यहाँ पे हल्का सा डाउन हुआ, ठीक थोड़ा सा ऊपर, तो उसके बाद से आगे पोजीशन में आर्क मेंटेन होता हुआ जब फिर तुम ले करोगे, सेम हमको जो सपोजिट वाले पैर पे भी करना है, सेलेक्ट करो कर दो यहाँ से हल्का सा ग्राफ मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है दिख रहा है, ये तुम्हारा आर्क मेंटेन करना होगा, ठीक है सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे जीरो ग्राफ ठीक है,
ये केस रन साइकिल बन गया मेरा यहाँ पे। अब इसके बाद हमको सिर्फ वेट के लिए थोड़ा सा ग्राफ पे काम करना पड़ेगा। विंडो एनिमेशन ग्राफ एडिटर, ये देखो यहाँ से तुम्हारा एक्स एक्सेस जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये वेट शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट, अब मैं क्या करूँगा इसकी वैल्यू कॉपी पेस्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करूँगा कॉपी यहाँ पे, ठीक है, कॉपी यहाँ पे है वी, कितना कर देना माइनस में, ठीक है, एंटर। ये जो एरिया है डिलीट 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 और डिलीट, तुम्हारा ग्राफ, ठीक है, इसके बाद हम रन करते हैं तो जो मेरी ग्रिपिंग है वाई एक्सिस रोटेशन की, वाई एक्सिस रोटेशन में थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देता हूँ हल्का सा, तकरीबन 3 रोटेशन इधर की साइड भी, वाई रोटेशन इधर की साइड भी, यहाँ पे कितना करना है 3, नो -3, ओके। वो तो अपने अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो कि जिस हिसाब से तुम्हारा रहा हो। तो ये था मेरा लोअर बॉडी पार्ट।